हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, मैं आज आप लोग के साथ तीज का मेकअप शेयर करूंगी। तो ये सारे सिंगार के सामान हैं जो मैं पहनूंगी आज। वो सारे मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था कि आप लोग को दिखा दूंगी मैं क्या क्या इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले मैं नहा के आ गई हूँ और अपने फेस पे मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कोई मॉइस्चराइजर या प्राइमर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए, ये कोई फाउंडेशन वाला क्रीम नहीं है, ये नीम खीरे का फेयरनेस क्रीम है। इस ऑल स्किन टाइप से ये मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है। और जैसे फेयर एंड लवली होती है और पॉन्स क्रीम होता है, वैसे है ये। मैं इसे ही अभी देखिए स्किन पे अप्लाई की हूँ बस। और मैं कोई कंसीलर और कोई फाउंडेशन नहीं इस्तेमाल करूँगी। देखिए, और मैं ये पाउडर इस्तेमाल करती हूँ, स्पिंच का बीबी है। तो मैं इसे ही फेस पाउडर के रूप में इसे ही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि महंगे महंगे प्रोडक्ट हों तो ही हम मेकअप कर सकते हैं। मैंने घर की ही चीज़ों से मैंने मेकअप किया है। हम मिडिल क्लास की हाउसवाइफ जो होते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं और रखते भी नहीं हैं, ज़रूरत भी नहीं होती है। बस हम इसी से ही अपना मेकअप कर लेते हैं। तो मैंने स्पिंच का बीबी जो पाउडर होता है वो लगा लिया है। और अभी मैंने मंगलसूत्र और नेकलेस भी पहन लिया और अब आईज़ का मेकअप कर रही हूँ। आईज़ का जो आई शेडो होता है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, पिंक कलर में अप्लाई कर रही हूँ, पिंक और ग्रीन से। और ये लैक्मी का आईलाइनर है, तो ये देखिए। और ये भी बहुत अच्छा है, कम प्राइस का है बट बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और मैं अभी उसे लगा लेती हूँ दोनों आँखों में। और इससे आँखें जो है ना बड़ी बड़ी दिखती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मैं इसे डेली अप्लाई नहीं करती हूँ, कभी कोई फेस्टिवल है तो ही अप्लाई करती हूँ। फिर आईब्रो पेंसिल, आईब्रो को थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ और लास्ट में मैं काजल लगा लेती हूँ और आईज़ का मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ। ये मैट का है और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया है। और इसका जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। मैं लगाई थी ना, फिर सुबह तक मेरे होंठों पर ये था, ये देखिए। और ये टोमेटो रेड कलर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। फिर मैंने अंगूठी पहन ली, जितनी मेरे पास थी मैंने वो अंगूठी पहन ली। मैं तीज वगैरह में बहुत ज़्यादा सजती हूँ क्योंकि मुझे सजना बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और ये चूड़ियों का सेट मैंने लगाया है और इसे भी पहन लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चूड़ियों का सेट देखना चाहते हैं तो मैंने इसका शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं तैयार होने के लिए, वरना तो ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मेकअप के ही मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, तीज वगैरह का। टाइम जैसा होता है उस हिसाब से, पर मैंने टाइम निकाला इस व्रत में आप लोग के लिए। मैंने ये छोटा सा मेकअप का वीडियो डाला है। अगर ये आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक तो करते जाइएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अभी मैं आ गई हूँ, अभी मैंने ईयर रिंग पहन लिया है और ये भी मैंने मीशो से मंगाया है, काफ़ी खूबसूरत ईयर रिंग था। और ये जो मैं नोज पिन पहन रही हूँ महाराष्ट्र, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए, ये पहनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था। और फिर मैंने बाल जो है, बाल मैं ऐसे ही सिंपल ही मैं बाल बना रही थी, पर छोटी वाली सिस्टर बोली कि दी मैं लाओ तुम्हारा कुछ स्टाइल कर देती हूँ। मुझे आता है पर आज थोड़ा थकी थी ना मैं, थोड़ा व्रत है तो आप समझ सकते हैं कि निर्जला व्रत है तो कितना थकावट हो जाता है। तो लक्ष्मी बना दी मेरे बालों को जूड़ा और फिर मैं उस पर जो नकली बाल का जूड़ा आता है वो लगा दी। और ये गजरा मैंने लगा लिया, मतलब लक्ष्मी ने हेल्प किया मेरा। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई और ये देखिए। तो फ्रेंड्स, तैयार होने के बाद मैं ऐसी दिख रही थी। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।